शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यस हेलो धनंजय। हाँ जी, आप कौन? मैं आफ्ताब बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। देखो फिलहाल मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, मुझे अपना नंबर दो, मैं तुम्हें वापस फोन करता हूँ। मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं जेल में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम कल यहाँ आ सकते हो? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता। धनंजय मैं बहुत मुसीबत में हूँ। देखो वो सब तुम जानो, मैं नहीं आ सकता। समझने की कोशिश करो, अगर कोई और रास्ता होता तो मैं तुम्हें नहीं बुलाता। फैसला तुम्हारे हाथ में। जय, रिलैक्स जय। ए फौजी, इतने दिन हो गए, ये क्या लगा रखा है सब? हमारा माल अभी तक नहीं पहुंचा। प्रॉब्लम से हमें कोई वास्ता नहीं। सौदे के पैसे मैं एडवांस में मैं पूरे दे चुका हूँ। ऐ फौजी, तुम सरकारी लोग बेईमानी के काम में भी ईमानदारी नहीं बरतते। जो आदमी हमारा काम नहीं कर सकता, उस आदमी को हम किसी काम के लायक नहीं छोड़ते। याद है मेजर जसवंत? चल चल। आफ्ताब से मिलना है क्या? हाँ। वो घर पे नहीं है? तो फिर कहाँ मिलेगा वो? आओ मेरे साथ। तुमने तो कहा था कि तुम जेल में हो। ये सब मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकता था। तो कम से कम इतना तो बता दो कि मुझे यहां क्यों बुलाया है। मुझसे किसी का माल खराब हो गया है, उन लोगों का काफी नुकसान हुआ है, वो लोग चाहते हैं कि मैं। ओके समझ गया, तो ये सारा नाटक पैसों का था। बोलना कितना चाहिए? 5,000, 10,000, 15,000? हाँ, माल तो 50 लाख का था। 50 लाख? अरे कोई मजाक है? देख मेरे पास कोई बाप दादा की जागीर नहीं है, जो कुछ भी है मेरी खुद की कमाई है। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मेरी एक चीज ला दो। अस्पताल के पीछे एक गोदाम है जिसमें एक अलमारी है, उस पर एक बैग रखा है, बस वो ला दो। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो उसे मुझे क्या लेना देना है? मैं इस लफड़े में क्यों फंसूं? देखो मेरी अम्मी की जान खतरे में, और इस वक्त मैं सिर्फ तुम पे ही भरोसा कर सकता हूं। लेकिन उस बैग में क्या है? डरने की कोई बात नहीं है, उसमें एक कीमती चीज है, बस। लेकिन तुम्हारे सब सवालों का जवाब मैं बाद में दे दूंगा, वक्त बहुत कम है, बस वो चीज ला दो। भरोसा रखो तुम्हें कुछ नहीं होगा।
क्यों साले? तूने तो कहा था कि वहां कुछ भी नहीं है। देख देख इसे, वहां किसी की लाश पड़ी हुई है, खून हो गया किसी का। तुम्हारी तो मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारी मदद करने आया था और तुमने मुझे फंसा दिया। औकात दिखा दी ना अपनी, क्यों फंसाया मुझे? बोल, चाहते क्या हो तुम? मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था कभी। बंदूक लेके खड़ा हूं, किसी ने मेरी फोटो खींच ली। हाथ मत लगाना मुझे। रुक जाओ। ये किया उन लोगों ने अम्मी के साथ। अगर मैं तुम्हें नहीं बुलाता तो वो रोज एक उंगली काटते। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, तुम्हें तो क्या, बस मैं हो तो खुदा को भी बुला लो। सुनो, बातचीत बंद करो। चलो मेरे साथ। वो आदमी कौन है? घबराओ नहीं, गौर से मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? जस्टिस सौरभ जी यहाँ मीटिंग में आए हुए हैं और मीटिंग के बाद वो अपनी कार से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। तुम्हें ये पैकेट उनकी कार में रखना होगा। क्या है इसमें? हमारी तरफ से एक चिट्ठी और कुछ रुपए। बिजनेस के जुबान में इसे रिश्वत कहते हैं। तुम लोग पागल हो गए हो? सारे हिंदुस्तान को मालूम है कि जज साहब रिश्वत नहीं लेते। रिश्वत तो सब लेते हैं, सिर्फ अपने अपने तरीके से। तुम ये पैकेट उनके कार में रख दो, बाकी वो खुद समझ जाएंगे। तू क्यों नहीं करता? इसलिए कि जस्टिस सोहराब जी के पास जेड सिक्योरिटी फोर्स है। हम वहां बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। वहां कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन तुम वहां पहुंच सकते हो और ये बात हम जानते हैं। कौन है वो आदमी? जितना कहा जाए तुम सिर्फ उतना ही करो। तुम लोग अपना होमवर्क कर चुके हो। देखो, मैं जानता नहीं तुम लोग कौन हो, लेकिन ये काम मैं नहीं करूंगा। तुम करोगे और जरूर करोगे। आपको स्टेटमेंट देना चाहेंगे सर? हाँ, जिस हथियार का काम दुश्मनों के आतंकवाद को रोकना है उस पर भ्रष्टाचार का जंग लग चुका है। जस्टिस सौरभ जी, आपका इशारा कहीं ऑफिशियल्स की तरफ तो नहीं है? जी हाँ, ऑफिशियल्स हमारे बॉर्डर पर हथियार है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे को सीनियर ऑफिशियल्स सरहद के पार बिक चुके हैं। लेकिन सर, इस तरह अपने ऑफिशियल्स पे शक करने से उनका हौसला नहीं टूटेगा? भ्रष्ट ऑफिशियल्स को ढूंढ निकालने से ही हमारा हौसला बढ़ेगा। और शक कौन कर रहा है? सारी रिपोर्ट, सारी डिटेल्स इस फाइल में मौजूद है। मैं दिल्ली जा रहा हूं और 24 घंटे के अंदर इसमें से सच निकाल लूंगा और उस सच को पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रखूंगा। Enough. बोल, कहां भेजा उसको? चलिए आइए। थैंक यू। Thank you.
जस्टिस स्वराज जी। मिस्टर धनंजय पंडित, एम आई करेक्ट? यस सर। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? आपको ढूंढते हुए आ गया सर। मुझे? इट्स ऑल राइट, मैं जानता हूँ इन्हें। सो सर, मैं इंडिया के मौजूदा हालात पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा हूँ सर, जिसमें आप मेरे हीरो हैं। मैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह आप लड़ रहे हैं सर, उस पर ये फिल्म बनेगी। मैं साबित करना चाहता हूँ सर कि एक ईमानदार ऑफिसर देश के कोने कोने में घूमकर भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत किस तरह इकट्ठे कर रहा है। मेरा कैमरा आपके कार तक में आपके साथ जाएगा सर, ताकि मैं आपका हर पहलू दिखा सकूं। सर, आप जैसे लोग तो हिंदुस्तान के नौजवानों में जागृति लाएंगे। आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। भाई मैं तुम्हारे साथ, लेकिन इस वक्त जरा जल्दी में मुझे दिल्ली में कॉल करना। थैंक यू सर, थैंक यू योर ऑनर। भक्ता, ये बातों से नहीं मानने वाला। मैं आपसे हजार बार कह चुका हूं इंस्पेक्टर साहब, वो आदमी अंधेरे में बैठा था। मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी। मैं झूठ क्यों बोलूं? अरे जिसे मैंने देखा है आप उसे क्यों नहीं ढूंढते? बंद कर थारी नौटंकी। चल बता, बता तुझे बम किसने दिया? बता, बता। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे बॉम्बे फोन करना है, मुझे अपने वकील से बात करनी है। छोड़ दीजिए मुझे। ए, अपने शहरी दलालों का डर मत दिखा। ई बॉर्डर को इलाको है, यहाँ मैं ही वकील हूँ, मैं ही जज हूँ और मैं ही चल्लाद हूँ। तो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? उस टीके वाले को ढूंढ लेना। क्यों, ताले पड़ेगा ना थारी जबान पे हैं? अब मैं तुझे बताता हूं, तू और थारो भाई, वो मरियम को छोरा, तुम दोनों मिलके इस इलाके में हथियारों की तस्करी करते हो। हाँ। वो यहां देहाती और तू सफेद पोश शहरी, अच्छी जोड़ी है। हाँ, अच्छी जुड़ी है। अरे मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसी आदमी ने मुझे फंसाया है। आप उससे क्यों नहीं पूछते? उससे भी पूछेंगे। भक्ता, बुला भेज साले को। बुलाने की कोई जरूरत नहीं। आ गया तू? थारी एक एक हरकत से वाकिफ हूं मैं, रिकॉर्ड है थारा मेरे पास। बहुत चर्बी है ना? तुम लोग साले जिस थाल में खाते हो उसी में थूकते हो। नासूर बन गए हो हमारे लिए। बहुत गर्मी है, चल दिखा, दिखा अपनी गर्मी। अब गंदे लोग, गंदा खून। घूर घूर कर क्या देखता है? नजर नीची कर, नजर नीची कर। गिराओ हथियार। नहीं नहीं, कोई इस सुअर की बातों में मत जाओ। धनंजय, बंदूक लो। आफ्ताब,
बंदूक लो। चलो कमान मूव, अंदर चलो चलो। कमांडेंट बैकुंठ, आपकी तारीफ। मैं सीबीआई से हूं, असिस्टेंट डायरेक्टर मनोहर सिंह जडेजा। तो हम क्या करें? हम नरीमन सोराब जी की हत्या की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। किस चीज की छानबीन करेंगे आप? हैं? केस बिल्कुल सीधा साधा है। दोनों भाई आतंकवादी हथियारों की तस्करी में घुसे हुए थे। लगा कि सोराब जी उन्हें पकड़वा देंगे, इसलिए गाड़ी में बम रखकर उड़ा दिया उन्हें। पूछताछ के दौरान कबूल भी किया है लौंडे ने। फिर भी मैं उनसे बात करना चाहता हूं। वो दोनों तो अभी अभी यहां से फरार हो गए। और आप लोग क्या खड़े खड़े उनके आने का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, वो साले गांव के छोरे आजकल बड़े खतरनाक हो गए हैं। अरे बैकुंठ साहब के कनपट्टी पे गन रखकर भाग दे। बस ये रेडियो ठीक हो जाए तो सारे चेकपोस्ट पर खबर कर दूंगा। मैं इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट और FIR देखना चाहता हूं। आप शायद ये भूल रहे हैं कि केस मेरा भी है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने छानबीन कर ली है। मिस्टर बैकुंठ, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। साले तुम जानते भी हो ये कितना बड़ा केस हो गया है? मुझ पर इल्जाम पे इल्जाम लग रहे हैं, आतंकवाद के, असैसिनेशन के। एक जज मारा गया है। किस जन्म का बदला ले रहे हो तुम मुझसे? मैं खुद नहीं जानता था उस पैकेट में बॉम्ब था। अरे मैं कहता हूँ बाइक रोको, मुझे जाने दो। इस वक्त यहाँ से हमारा निकलना बहुत जरूरी है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ और देर रुक गया तो किसी ना किसी के हाथों में जरूर मारा जाऊंगा। समझने की कोशिश करो। इस तरह भागने से कुछ नहीं होगा आफ्ताब, बाइक रोको। साला काली जुबान। शिट, अब क्या करेंगे? हम हैं कहाँ? अरे यार मुझे बॉम्बे पहुंचना है, मुझे अपने वकील से बात करनी है। तू जानता है भी यार वकील क्या? Yes! तू जानता है भी एक वकील क्या होता है? एक काला कोट पहना आदमी जो तुम्हारे सारे पैसे ले लेता है मगर कम से कम तुम्हें इन जैसे मुसीबतों से तो निकाल देता है। तो रोका किसने? जाना। अरे इस झन्नुम से कोई निकलेगा कैसे? तुम्हें लगता है यहाँ किसी ने टैक्सी का नाम सुना होगा? एक सेकंड, एक्सक्यूज मी, कैन समबडी गेट मी अ टैक्सी प्लीज? टैक्सी 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 क्या चिल्लाता है? चिल्लाना है तो प्लेन प्लेन चिल्लाना, वो भी आ जाएगा। शट अप आफ्ताब, देख बहुत हो गया आफ्ताब। मेरा बॉम्बे पहुंचना बहुत जरूरी है, वहां मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मीटिंग है और मैं यहां तुम्हारा। जब तक मैं मोटरसाइकिल ठीक करता हूं तू पीछे डाबे पे खाना बोल। जाए खाना मुझे वहां। देख मुझे बॉम्बे पहुंचना है और इसी वक्त पहुंचना है। ओके तो एक काम कर, बाएं मुड़ के चलते जा, 8-10 महीने में पहुंच जाएगा। और अगर खाना बोलना है तो पीछे बोल। यू नो यू आर एन ऑब्नॉक्शियस फूल। अपने लिए वो बोल दे, मेरे लिए दाल बाटी बोल। और सुन, मुंह धो के जा। जीसस शिट। अरे तू यहाँ क्या खड़ा है? जा जल्दी दही लेके आ जा। साफ 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 बंजारे आए हैं। अरे तू उसके छोटे छोटे टुकड़े करके तड़का मार जा। ओफो बंजारे हैं, बंजारे नाचने गाने वाले। नाचने वाले? हाँ। अरे वाह, मतलब आज रात नाच होगा, गाना होगा। हाँ। वो भी मक्खन मार के। भाई साहब यहाँ पे खाना मिलेगा? गाना थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। गाना खाना खाना फूड फूड। अरे साहब रुकिए तो सही, आज रात हम जश्न पेश करने वाले हैं, जश्न। हाँ जो भी हो उसमें मिर्ची थोड़ी कम डालना। अरे साहब खाना लगा। अरे साहब आप
आइए आइए आइए, यहाँ बैठिए यहाँ बैठिए। हाँ, आप भी बैठिए साहब। पहले आप गर्मा गर्म गाना देखिए, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाता हूँ। ये लीजिए, पी कर देखिए, देख कर पीजिए। अरे वाह, क्या गाना है, वाह वाह वाह। शुरू तो होने दे। ओ कितने चली है कुड़िया, आज नहीं छना तेनो। अरे क्या कर रहे हैं आप, छोड़ दीजिए। अरे अरे कैसे लोग आते हैं आपके रेस्टोरेंट में, सारा मूड खराब कर दिया। आप जाइए। आफ्ताब, 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 अंदर बात तारा के लिए दिखाया था ना लंदे। छोड़ दे इसे। सलाह हराम की औलाद। क्या बोला, फिर से बोल। और क्या बोलेगा तेरे को, साला हराम की औलाद।